नमस्कार, क्राइम अपडेट के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली पुलिस की वर्ष भर की कुछ विशेष उपलब्धियां। साल 2019 के दौरान दिल्ली पुलिस को कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई। राजधानी में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के अलावा दिल्ली पुलिस को कई कुख्यात अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता मिली। किन किन महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में इस साल पुलिस को मिली है कामयाबी, आइए इसी पर सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर। लोगों को बेहतर प्रशासन और बेखौफ माहौल उपलब्ध कराना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। अगर दिल्ली पुलिस के साल भर के कामों पर नजर डालें, तो जो तस्वीर उभरती है वो इस बात को साबित करती है। छोटे मोटे अपराधों को छोड़ दें तो दिल्ली पुलिस अपने मकसद में कामयाब रही है और कई सारी उपलब्धियां उसके नाम दर्ज हैं। दिल्ली को आतंकवादी साजिशों से मुक्त रखना पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुख्यात आतंकी अब्दुल मजीद बाबा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। साल 2007 में अब्दुल मजीद को इसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जब ये दिल्ली में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से आए हुए थे। विभिन्न मामलों में हाईकोर्ट ने इसे दोषी करार दिया था, लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी ये फरार चल रहा था। पुलिस ने अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जैश ए मोहम्मद के एक और वांटेड आतंकी फैयाज अहमद लोन को भी स्पेशल सेल ने धर दबोचा। गौरतलब है कि साल 2007 में इसके खिलाफ भी दर्ज विभिन्न मामलों में हाई कोर्ट ने इसे दोषी करार दिया था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए भी 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। जैश ए मोहम्मद से ही ताल्लुक रखने वाले एक आतंकी सज्जाद खान को भी स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। सज्जाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर के संपर्क में था, जिसे पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया गया था। सज्जाद को खास तौर पर दिल्ली में लक्ष्यों की पहचान और अपना ठिकाना बनाने के इरादे से दिल्ली भेजा गया था। वहीं स्पेशल सेल ने देश में नशे का जहर फैलाने वाले कई अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का भी पर्दाफाश करते हुए बड़ी संख्या में तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में कोकेन, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने मादक पदार्थों की सप्लाई में लगे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अफगानी नागरिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह बड़े ही शातिराना तरीके से अफगानिस्तान से खाली बोरियों के जरिए हेरोइन दिल्ली ला रहा था। अफगानिस्तान में पहले जूट की बोरियों को लिक्विड हेरोइन में डुबो दिया जाता था, उसके बाद इन बोरियों में जीरा भरकर भारत एक्सपोर्ट कर दिया जाता। दिल्ली में इन बोरियों को कई तरह के केमिकल में भिगोकर और उन्हें सुखाकर उससे हेरोइन निकाल ली जाती थी। इनके कब्जे से 150 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 600 करोड़ रुपए आंकी गई। ड्रग तस्करी में लिप्त एक और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। ये गिरोह असम के रास्ते तस्करी कर लाई गई हेरोइन को दिल्ली और एनसीआर में खपाने के इरादे से दिल्ली आया था। इसके कब्जे से पुलिस ने 25 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस वर्ष स्पेशल सेल ने अन्य राज्यों से दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले तस्करों की भी बड़े पैमाने पर धरपकड़ की। इसी का नतीजा रहा कि एक के बाद एक कई तस्कर पुलिस के जाल में फंसते चले गए। ये तस्कर इन हथियारों को दिल्ली में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करते थे। इन हथियारों का इस्तेमाल बदमाशों द्वारा कई अपराधों को अंजाम देने में किया जाता था। स्पेशल सेल की नजर दिल्ली में सक्रिय दुर्दांत अपराधियों पर भी बनी रहती है। समय समय पर इन कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता रहा है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में हत्या, रॉबरी, अपहरण जैसी कई संगीन वारदातों में शामिल रहे वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं स्पेशल सेल ने मानव तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना आरोपी
लोप संग लामा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोप संग लामा की गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। लोप संग लामा नेपाल से लड़कियों को जॉब दिलाने के बहाने दिल्ली लाता और यहां से इन लड़कियों को किसी बहाने से विदेशों में मोटी रकम में बेच देता था। स्पेशल सेल की तरह ही क्राइम ब्रांच ने भी 2019 के दौरान कई सनसनीखेज और संगीन वारदातों को सुलझाकर दिल्ली में अपराध पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाई प्रोफाइल रोहित शेखर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए क्राइम ब्रांच ने उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार किया। रोहित अपने कमरे में मृत पाए गए थे। गौरतलब है कि दोनों के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे, इसी वजह से उनकी पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं वसंत गांव इलाके में हुए बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी नर्सिंग अटेंडेंट की तिहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए अपराध शाखा ने आरोपी प्रीति सहरावत और उसके साथ ही मनोज को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रीति और मनोज ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, जिसमें इन्हें काफी घाटा उठाना पड़ा था। घाटे की भरपाई करने के इरादे से प्रीति ने जान पहचान वाले बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निशाना बनाया था। यही नहीं, रंजीत नगर में हुई एक महिला डॉक्टर गरिमा मिश्रा की सनसनीखेज हत्या की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी डॉक्टर चंदर प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी डॉक्टर की हरकतों से तंग आकर महिला डॉक्टर ने अपने घर गोरखपुर वापस लौट जाने का फैसला किया था। इससे बौखलाए आरोपी ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी तरह ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई एक बुजुर्ग अरुण शर्मा के अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक ऋषि राज का अरुण शर्मा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते आरोपियों ने बुजुर्ग का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। इसी तरह अपराध शाखा ने ड्रग सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी विशाखापत्तनम से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इनके पास से पुलिस ने 800 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2,40,00,000 रुपए आंकी गई। वहीं क्राइम ब्रांच ने 100 से भी अधिक कारों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी शरद पांडे को गिरफ्तार किया। ये गिरोह हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को अपना निशाना बनाता था। वहीं अपराध शाखा ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात कपिल सांगवान गिरोह के 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर हत्या, हत्या की कोशिश और जबरन उगाही के दर्जनों मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। यही नहीं, चंदन की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी अमित वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 577 किलोग्राम चंदन जब्त की गई। इसके अतिरिक्त हत्या, हत्या की कोशिश सहित कार स्नैचिंग के दर्जनों मामलों में वांछित अपराधी विजय फरमाना को गिरफ्तार किया गया। विजय फरमाना की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। साथ ही लूटपाट करने वाले बांग्लादेशी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह क्राइम ब्रांच ने हत्या, हत्या की कोशिश सहित कई जघन्य वारदातों में शामिल रहे वांटेड अपराधी करण सिंह को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुख्यात नवीन कसाना गैंग के 2 इनामी बदमाश रविंद्र और अनिल को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह लूटपाट के लिए व्यापारियों को ही ज्यादातर टारगेट किया करता था। वहीं अपराध शाखा ने दिल्ली एनसीआर के 4,500 से भी अधिक भोले भाले लोगों से लॉटरी के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगी करने के लिए बाकायदा इन्होंने कॉल सेंटर भी लगा रखा था, जहां से कॉल करके ये लोगों को अपनी वेबसाइट पर आने का न्योता देते थे, जहां से ये लोगों को लॉटरी टिकट और महंगे सामान को सस्ते में देने का वादा करते।
क्राइम ब्रांच की उपलब्धियों के बाद अगर जिलों की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। गोविंदपुरी इलाके में हुई एक बुजुर्ग महिला रूपलता की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपी जाहिद और गोविंद पाल को गिरफ्तार किया गया। अमर कॉलोनी इलाके में एक और बुजुर्ग दंपत्ति वीरेंद्र और सरला की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए घर में काम करने वाली नौकरानी सहित उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नौकरानी की बुजुर्ग दंपत्ति के घर में रखे पैसों पर नजर थी, इसी लालच में उसने अपने बेटे के साथ मिलकर लूटपाट और हत्या की योजना बनाई थी। मीठापुर इलाके में हुई सरकारी कर्मचारी अनंत की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी सुनीता और बेटे सहित हत्या में शामिल इनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। मृतक आनंद का व्यवहार पत्नी के साथ ठीक नहीं था, बार बार के दुर्व्यवहार से परेशान होकर सुनीता ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। इसी प्रकार सोशल साइट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक केनेथ उर्फ नेल्सन सहित अन्य आरोपी माजिद सलमानी को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सोशल साइट पर लाखों की लॉटरी लगने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के रूप में उनसे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेता था। इसी प्रकार पश्चिमी जिला पुलिस ने भी अपने जिले में अपराध पर नकेल कसते हुए कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने जनकपुरी क्षेत्र में अपना ऑफिस खोल रखा था, जहां ये लोगों से पासपोर्ट और वर्क वीजा लगवाने का लालच देकर पैसे ऐंठ लिया करते थे। इसी प्रकार एटीएम कार्ड के जरिए लोगों से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सदस्य एटीएम मशीनों में कार्ड रीडर, स्कीमिंग और पासवर्ड चोरी के लिए डुप्लीकेट कीपैड लगा देते थे। इसी तरह द्वारका जिला पुलिस ने भी हत्या, लूटपाट, डकैती, कारजैकिंग जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। जिला पुलिस ने सनसनीखेज कैश वैन लूट के मामले को सुलझाते हुए कैश वैन के ड्राइवर धीरज और एक लुटेरे मदन को गिरफ्तार किया। कैश वैन को निशाना बनाकर उसमें रखे 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। वहीं दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया गया। हरीश मध्य प्रदेश के खालगढ़ से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गिरोह को सप्लाई किया करता था। इसी तरह एक महिला की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी दिनेश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जयपुर का रहने वाला है और वो और मृतक महिला पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। वारदात वाले दिन वो महिला से मिलने दिल्ली आया था। लूटपाट के इरादे से उसने महिला की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं हरियाणा में एक के बाद एक लगातार तीन मर्डर के मामलों में शामिल रहे कुख्यात अपराधी विकास उर्फ विक्की को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अपराधी संदीप उर्फ काला जथेडिया गैंग से जुड़ा हुआ था। वहीं नई दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न देशों के दूतावास होने और राजनीतिज्ञों व डिप्लोमेट्स की रिहाइश होने की वजह से नई दिल्ली जिला पुलिस पर इनकी सुरक्षा का खासा दबाव रहता है। साथ ही इस क्षेत्र में आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शनों में आने वाली प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ से निपटने और शांति बनाए रखने की काफी बड़ी जिम्मेदारी भी नई दिल्ली जिला पुलिस पर रहती है। पुलिस का काफी बड़ा भाग विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे रहने के बावजूद जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में जिला पुलिस द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसी का नतीजा रहा कि जिला पुलिस ने साउथ एवेन्यू के एमपी सर्वेंट क्वार्टर में हुई एक शख्स सुरेश की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी मृतक की पत्नी अंजू, उसके प्रेमी शिवम और एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है।
शिवम और अंजू ने सुरेश को रास्ते से हटाने के लिए मेरठ से भाड़े के हत्यारे बुलाकर उस वक्त हत्या करवा दी जब सुरेश शराब के नशे में घर में सो रहा था। इसके अलावा एटीएम कार्ड क्लोनिंग के जरिए एटीएम से पैसा उड़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जिला पुलिस ने दो बुल्गारियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी एटीएम कार्ड्स की स्कीमिंग और क्लोनिंग के जरिए एटीएम मशीनों से पैसे निकाल लिया करते थे। इसके अलावा भी नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की। वहीं अन्य जिलों की तरह रोहिणी जिला पुलिस ने भी कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की। कुख्यात नीरज बवाना गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर अलग अलग वारदातों में शामिल होने के मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान कुछ लग्जरी कारों में युवक दिखाई दिए जो किसी विवादित प्रॉपर्टी में घुस रहे थे। शक होने पर पुलिस ने इन्हें ट्रैप लगाकर पकड़ लिया। इनकी पहचान नीरज बवानिया गिरोह के सदस्यों के तौर पर हुई। इसके अलावा अन्य जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों ने भी अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। ये योजनाएं दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाने में काफी मददगार साबित हो रही हैं। इस वर्ष दिल्ली पुलिस को राजधानी के जय सिंह रोड पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के तौर पर नई इमारत हासिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस इमारत का उद्घाटन किया। नए भवन का उद्घाटन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया। 17 मंजिला इस इमारत को सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है जिससे पुलिसकर्मी अपने कार्य को और भी तत्परता से अंजाम दे सके। दिल्ली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ाने में लगी है ताकि पुलिसिंग को ज्यादा कारगर और स्मार्ट बनाया जा सके। इसी के तहत इस वर्ष दिल्ली के सभी जिलों में ई मालखाना प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू कर दिया गया। इस ई मालखाना परियोजना के तहत जिलों के सभी थानों की केस प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। इसके तहत तमाम केस प्रॉपर्टीज की फोटो अपलोड करके उन्हें बार कोड देकर साइज के मुताबिक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अभी तक इनको परंपरागत तरीके से ही रखा जाता था लेकिन ई मालखाना परियोजना के जरिए अब ये काम बहुत आसान हो गया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने और उसकी पूरी प्रक्रिया को दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन कर दिया है। इसके अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन आवेदन और अपलोड किया जा सकता है। शस्त्र लाइसेंस जारी करने, मौजूदा हथियारों के लाइसेंसों का नवीनीकरण, क्षेत्र की वैधता का विस्तार, अन्य राज्यों से जारी शस्त्र लाइसेंसों का पंजीकरण जैसी सेवाओं में बहुत ही आसानी हो गई है। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हिम्मत प्लस ऐप के अंतर्गत QR कोड स्कीम शुरू की गई है। पीली और काली टैक्सी और TSR के जरिए यात्री ट्रांसपोर्ट रेंज यानी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों के बीच यात्रा करते हैं, लिहाजा इस रेंज में महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा ये योजना लागू की गई है। इसके तहत टैक्सियों और ऑटो रिक्शा चालकों के QR कोड जनरेट किए गए हैं। सफर के दौरान कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए इसीलिए यात्रा पूरी होने तक ये कोड हिम्मत प्लस ऐप और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट रहता है। आत्मरक्षा से बेहतर भला और क्या हो सकता है, इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस युवतियों और महिलाओं को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने के काम में जुटी है। इस वर्ष बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें स्कूलों को भी जोड़ा गया। इनके जरिए हजारों की संख्या में स्कूली छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कुल मिलाकर दिल्ली में साफ सुथरा माहौल बनाना पुलिस का सर्वोच्च लक्ष्य है। जाहिर है अपराधी खुलेआम न घूम सके, इसके लिए उन पर शिकंजा कसना जरूरी है।
इसी मकसद को साधने के लिए जहां पुलिस अपराधियों पर लगाम कसती रहती है, वहीं सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए कई प्रभावी कार्यक्रम भी चलाती रहती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।